नमस्कार एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। यूपी मिशन पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनावों की रणनीति पर कर रहे यूपी के नेताओं से चर्चा, मुख्यमंत्री योगी और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे उपस्थित। गैंगरेप के आरोपी यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास, कोर्ट में दो अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी सुनाई उम्र कैद की सजा, दो दो लाख रुपए का लगाया आर्थिक दंड। सलमान खुर्शीद की किताब पर देशभर में बवाल, मुंबई में सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता, लखनऊ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जलाया खुर्शीद का पुतला, तो कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कंगना रनौत के देश की आजादी वाले बयान पर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के कई जिलों में किया विरोध प्रदर्शन, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्करी कर लाया जा रहा 400 ग्राम सोना किया बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। बलात्कार के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, जी हां, इसी के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तथा उसके सहयोगी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रहे अमरेंद्र सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल और रूपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। आज निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी लेखपाल, आशीष शुक्ला जज पब्लिक एडमिन थे, इनको माननीय न्यायालय ने 376 में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पांचवें एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या आज दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम जो सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का अर्थ दंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको पड़ेगा। पास्को एक्ट में हमारे खिलाफ 5G/6 हुआ था, 5G/6 लेकिन जो अमेंडमेंट आया था तो जो उसमें संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। हमारा मुकदमा 2017 का है और उस मुकदमे के अनुसार हमारे खिलाफ पास्को की वो धारा के खिलाफ उनको दंड नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने 376 में मैक्सिमम दंड दिया था। उस धारा में अगर दंड देते, एक धारा में 2 दंड नहीं दे सकते थे, उस धारा में उस वक्त हमारे चार्ज बना नहीं था। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दीपक पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए चित्रकूट में महिला के साथ गैंगरेप का जो वाकया हुआ था, साथ ही में यौन उत्पीड़न का भी जो मामला सामने आया था, उस पर आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। गायत्री प्रजापति और साथ ही में 2 अन्य जो मुजरिम है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या अपडेट इस पर? जी जैसी बता दें, ये अखिलेश सरकार यानी समाजवादी सरकार ने महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रहे हैं, जहाँ तक बात की जाए खनन मंत्री और परिवहन मंत्री भी रहे, इन पर खनन मंत्री रहते हुए भी इस पर कई घोटालों का आरोप लगातार। वही बात की जाए आज जो एमएलए कोर्ट में जिसके विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री समेत 3 आरोपी मामले में दोषी करार दिया, इस पर सजा फैसला भी मिल गया। और बात की जाए अन्य 4 अभियुक्तों को भी बड़ी राहत मिली है, उन्हें बरी कर दिया है। 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति और अन्य 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप जांच और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा शुरू था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया था, पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था और अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
जी बिल्कुल, चलिए दीपक बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंच रहे, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। दरअसल 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम से पहले वहां की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम ने साल 2018 में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। 19 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद निर्माण कार्य पूरा किया गया है। जायजा लेने के बाद उन्होंने डीएम रवीश गुप्ता और एसपी विपिन शर्मा समेत दूसरे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। 16 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। इस एयर शो के लिए सभी खास तैयारियां की जा रही है। यह एयर शो आकर्षण का खास केंद्र रहेगा, जिसमें रफाल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेन भी अपने करतब दिखाएंगे। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा, गोरखपुर एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है, यहाँ की माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच गए। शाम करीब 4:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश के चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक के समापन सत्र में करीब 3 घंटे के मंथन के विधानसभा चुनाव में भाजपा की योजना तय वो करेंगे। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता ने हर हर महादेव का उद्घोष कर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी और धर्मेंद्र प्रधान ने पुष्प अर्पित किए। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद राजनाथ सिंह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए आयोजित हुई बैठक में भी शामिल हुए हैं। तो वहीं इस बैठक में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर आने वाले समय में राज्य में औद्योगिक क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य हमारे लिए ऐसी पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है, जिसमें छोटी से छोटी और बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं वो आसानी से एक जगह
और किफायती तरीके से पूरी हो पाए। आने वाले समय में ये प्रदेश रक्षा और वैमानिकी में दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी में हम रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र को विकसित करने में कामयाब होंगे। साथ ही इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण किया। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ बड़ी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, एसआईडीएम की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है पटेल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी और जिससे मिलना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करें, और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सिर्फ आप सबके अंदर ही है, हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं, यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है और ये दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो नोड है यहाँ की मिसाइल के उत्पादन कि जिससे यहाँ पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर के जिससे उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है और इस जिससे जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है, एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने है। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में क्रियाशील, वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस
अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। तो लखनऊ के दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी पहुंचे, यहां पर उन्होंने दौरा किया, साथ ही में जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया। इसके अलावा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत उनका किया। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है, साथ ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। गृहमंत्री अमित शाह के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में शुरुआत, यहां राज्य स्तरीय बैठक में दोनों मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रदेश भर के जिलों वरिष्ठ पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए। उत्साह बढ़ेगा, कार्यक्रम जबरदस्त उत्साह बढ़ेगा और सक्रिय होकर काम करेगा। उसे भी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आदरणीय अमित शाह जानते हैं और आदरणीय अमित शाह जी प्यार भी करते हैं कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता भी उनसे प्यार करता है। उत्तर प्रदेश के वो गांव गरीब किसान से सभी की पहचान, उनका एक पूरा अनुभव है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसलिए बैठक महत्वपूर्ण है। और संगठन का एक कार्य पद्धति अपना और कार्य पद्धति के आधार पर संगठन और कार्यकर्ता के आधार पर ही पार्टी चलती है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दुर्गेश यादव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। फिलहाल अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे अपने दौरे के दौरान, क्या उनके दौरे की मुख्य बातें रही? जी कृति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी माना जा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी था। इस समय मैं आपको बता दूं कि सीएससी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ और 98 जिले के जिलाध्यक्षों के साथ में 98 जिलाध्यक्ष हैं जो कि और 403 सीटों की जो यहाँ पे है उसका गुरु मंत्र देंगे यहाँ से किस तरह से 2022 का चुनाव जीता जाए। जिस तरह से 2017 में चुनाव भाजपा पूरी 300 से ऊपर सीटें प्राप्त की थी, उसी तरह यहाँ पे अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और गुरु मंत्र देंगे क्योंकि पूर्वांचल का अमित शाह को चाणक्य माना जा रहा है क्योंकि ये इस समय जो पूर्वांचल का जो ये बनारस है क्योंकि 2022 का चुनाव का हब माना जा रहा है। अगर इसी को लेके अगर बात की जाए तो बनारस में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हैं और इस समय जो बैठक चल रही है इसमें अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनको जो मंत्री हैं उनके साथ उनको गुरु मंत्र दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से हिंदी राजभाषा का कार्यक्रम है उसमें भी ये शिरकत करेंगे, वहां पे भी अगर ये तो सिर्फ भाषा का जो राजभाषा का ये तो एक तरह से माना जा रहा है लेकिन वहां पे जो राजनीति का पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, हर वर्ग के वहां पे लोग शामिल होंगे। वो 2022 के चुनाव को लेकर आम बैठक होगी कल यानी शनिवार को। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश तवलाल तमाम अपडेट के लिए।
तो वहीं हापुड़ में अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कंगना के पोस्टर को जलाया भी। तो वहीं अभिनेत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि कंगना ने देश की आजादी की लड़ाई को लेकर बेतुका बयान दिया था। तो वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि 424.200 ग्राम सोना बरामद यहां से किया गया। बरामद सोने की कीमत लगभग 21,66,000 रुपए बताई जा रही है और इसे दुबई के शारजाह की फ्लाइट से लखनऊ लेकर एक युवक पहुंचा। कस्टम विभाग ने सोने के 2 पैकेट इससे बरामद किए। कन्नौज में एक परिवार 3 साल से प्रधानमंत्री आवास को लेकर धक्के खा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही से तंग आकर दिव्यांग योगेंद्र अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठ गया। योगेंद्र ने 3 साल पहले पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा फाइल आगे नहीं बढ़ाने से उसके परिवार को आवास नहीं मिल पाया। इस संबंध में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी के दरबार में भी उसने गुहार लगाई थी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।